आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। और इस वक्त राज्य के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की आग फैली हुई है। सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है यूपी। राज्य के कई जिलों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। कानपुर की बात करें, धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने को लेकर बवाल हुआ तो बांदा में मूर्ति विसर्जन के दौरान उपद्रव हुआ। फतेहपुर में विसर्जन के दौरान दो पक्षों में मारपीट हुई। कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कन्नौज में भी हिंसा देखने को मिली है। वहीं संत कबीर नगर में दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। पुलिस ने कार्रवाई भी की है कई जगह। तो राज्य के कई जिले हैं जो इस वक्त सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में हैं। हालात ऐसे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकली ये चिंगारी यूपी के 9 जिलों समेत कई इलाकों को अपनी लपेट में ले रही है। कानपुर, बांदा, फतेहपुर, कन्नौज, बरेली, गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर ये जिले हैं जहां सांप्रदायिक हिंसा इस वक्त फैली हुई है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, किस तरह का हाल है यहां पर, किस तरह का माहौल है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। नीचे मारो गाड़ी। तस्वीर आप कन्नौज और फतेहपुर की देख सकते हैं कि उपद्रवियों ने किस तरह से वाहनों में आग लगाई है। पुलिस ने यहां पर कन्नौज में फ्लैग मार्च किया है। इसके अलावा कर्फ्यू भी लगा दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा हालात यहां पर बिगड़ गए थे। और फतेहपुर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उपद्रवियों ने यहां एक तरह से कहें कि काफी सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि माहौल बहुत खराब कर दिया गया इस शहर का। और अब विस्तार से आपको हर जगह का हाल बताते हैं। कानपुर शहर में धार्मिक पोस्टर को फाड़े जाने के बाद बवाल हुआ। अलग अलग इलाकों में भड़की हिंसा के बाद हालात अब नियंत्रण में हैं। एहतियातन डीएम ने सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे। एसएसपी शलभ माथुर के मुताबिक बवाल में अलग अलग 4 थानों से फजलगंज, सीसामऊ, नौबस्ता और चमनगंज में करीब 20 नामजद और 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं करीब दर्जन भर उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी का कहना है कि घटना के बाद बाहरी जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है जो शांति व्यवस्था बनाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर तैनात की जाएगी। वहीं गोली लगने से घायल हुए RI और बादशाही नाका इंस्पेक्टर की स्थिति अब खतरे से बाहर है। कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस गश्त कर रही है और उससे पहले किस तरह से शहर जल उठा था यहाँ दंगे की आग में, वो भी आप देख सकते हैं। हिंसा के बाद अब कह सकते हैं शांति तो जरूर है लेकिन तनाव अब भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस अब भी मुस्तैद है यहाँ पर और जगह जगह मार्च कर रही है और लोगों में ये विश्वास जगाने की कोशिश कर रही है कि अब सब कुछ ठीक है, नियंत्रण में है। लेकिन क्या हालात शहर के हुए थे वो ये 3 तस्वीरें बता रही हैं। पथराव हुआ था, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे तो गुस्साए लोगों ने आग से नहीं की थी, वाहनों में आग लगाई थी, तोड़फोड़ की थी। तो इस पूरे हमले में पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। हालांकि अब जो 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनकी हालत अब खतरे से बाहर है, तो ये एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं। तो पुलिस पर हमला हुआ है, भीड़ ने यहाँ पर अपना गुस्सा उतारा है गाड़ियों पर, सड़कों पर और ये सारा उपद्रव का आंदोलन चलता रहा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आला अधिकारियों को यहां पहुंचना पड़ा। जब जाकर पुलिस के बड़े अधिकारी ने मोर्चा संभाला तो यहां पर हालात थोड़े काबू में आए। इसके बाद जिला अधिकारी, ADM और SSP ने यहां पर फ्लैग मार्च किया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब हालात नियंत्रण में है। हालांकि तनाव अब भी बना हुआ है। धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने के बाद भड़की हिंसा को देखते हुए जहां DM ने कड़े आदेश दिए हुए हैं कि DM ने पूरे कानपुर शहर पे अघोषित कर्फ्यू लागू कर दिया है, यहां तक कि उनका आदेश है कि कहीं शहर की कोई भी दुकानें नहीं खोली जाएंगी, सारे प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया है। मैं इस वक्त P रोड में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो दुकानें हैं सारी दुकानें बंद हैं। और इसके साथ ही साथ धारा 144 लगाई गई है, इस धारा के लगाते हुए उन्होंने 4 लोगों को एक साथ खड़े होने के लेकर के भी फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि जो लोगों को जरूरत हो घर से बाहर निकलने की सिर्फ वही लोग घर से बाहर निकलें, इसके अलावा 4 लोग एक साथ जगह पर ना खड़े हों क्योंकि धारा 144 के तहत 4 लोग एक साथ खड़े होना मना है। इसके साथ ही साथ पूरी जो दुकानें हैं वो बंद हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं उन लोगों को नहीं, जिन लोगों को पता था वो दुकानदार आए हुए हैं अपनी दुकानों पर और खड़े हुए हैं, लेकिन फ्लैग मार्च हो रहा है, बराबर अनाउंस किया जा रहा है कि अपनी दुकानों को बंद रखेंगे और एक साथ एकत्रित नहीं खड़े होंगे। अश्विनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस।
तो यानी कि धारा 144 अब भी यहां लागू है। कन्नौज का हम रुख करेंगे, यहां मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा के तीसरे दिन भी धारा 144 लागू है, क्योंकि दंगाइयों का आतंक यहां रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 11 मामले दर्ज किए हैं और 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच दंगाइयों ने कवरेज कर घर लौट रहे अखबार के 2 पत्रकारों पर भी यहां हमला किया, उनके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से उन्हें जख्मी कर नाले में फेंक दिया। इसके बाद दंगाइयों ने देर रात सुरक्षा बल लगे होने के बावजूद भी कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। जिले में बीएसएफ के जवानों के साथ लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद तीसरे दिन भी तोड़ फोड़ आगजनी हिंसा जारी है, पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि अखबार के संवाददाता सुभाष सक्सेना और प्रिंस कवरेज करके सदर कोतवाली के शेखपुरा मोहल्ले से होकर मोटरसाइकिल से घर की ओर जा रहे थे, तभी दंगाइयों ने दोनों पर हमला कर दिया। वहीं राहगीरों ने घायल अवस्था में दोनों पत्रकारों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां अब दोनों की हालत खतरे से बाहर है। और उधर बरेली में ताजिया आगे निकालने को लेकर दो समूहों में यहां आपस में इसमें भिड़ंत हो गई। मामला थाना किला के सिटी शमशान भूमि रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां दोनों समूहों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, उत्पात मचाया, जिसमें 2 लोगों को चोटें आई हैं। बवाल की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक दूसरे को मौके से खदेड़ दिया। वहीं माहौल बिगड़ता देख मौके पर कई थानों की पुलिस पीएसी आरएएफ को तैनात किया गया है, जिसके बाद मामले पर काबू पाया जा सका है। तो बरेली की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ ताजिया आगे निकालने की होड़ में ही ये पूरा हंगामा शुरू हो गया। मुहर्रम के ताजियों को लेकर के आ रहे थे, तो 2 लोग जो ताजिए लेकर के आ रहे थे, आपस में आगे पीछे करने को लेकर के कुछ कहासुनी हुई है। उसमें एक पक्ष के लोग कुछ दारू पिए हुए थे, उनसे झगड़ा हुआ है, उनमें हल्की सी मारपीट हुई है और एक दूसरे के ऊपर एक पत्थर फेंके हैं लोग। पुलिस तुरंत मौके पहुंच गई थी, उन्हें शांत करा के आगे बढ़ा दिया। आपने अभी तक पुलिस का कहर सड़कों चौराहों घरों में देखा है, लेकिन संत कबीर नगर की जिले की पुलिस ने तो ऐतिहासिक माता मंदिर परिसर में घुसकर ही भक्तों पर लाठियां बांध दी। देर रात ताजियादारों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी और मुहर्रम का जुलूस इसी चौराहे से होकर गुजरना था, तभी पुलिस को सूचना मिली कि मंदिर के अंदर कुछ लोग शोर मचा रहे हैं। पुलिस ने मंदिर परिसर में घुसकर वहां मौजूद हर शख्स को, चाहे वो फूल बेच रहा माली हो या पूजा के लिए कतार में लगे लोग हों, जो भी यहां मौजूद थे, सब पर लाठियां फाड़नी शुरू कर दी। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी एसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया है। तो संत कबीर नगर में पुलिस ने मंदिर के अंदर घुसकर यहां लाठीचार्ज किया है, क्योंकि पुलिस को ऐसी सूचना मिली थी कि मंदिर के अंदर से कुछ शोर मचाया जा रहा है, हो सकता है कि यहां से हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही हो। और गोरखपुर के गघा थाना क्षेत्र में बीती रात ताजिए को आगे पीछे करने को लेकर 2 पक्षों में चाकूबाजी होगी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल गघा चौराहे पर कई गांव की ताजिए एक साथ मिलन कर रहे थे, उसी दौरान अतायर गांव के ताजिए वाले ने अपने ताजिए को आगे ले जाने की कोशिश की। आगे के नंबर में लगे ताजिए के लोगों ने इसका विरोध किया, तो दोनों पक्षों में हंगामा हो गया और एक दूसरे पर जमकर चाकू चलाए गए, जिसमें 5 लोग लहूलुहान हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सर पे तलवार से मार दिए तो हम बेहोश हो गए, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता है। उसके बाद क्या रहा कल, और हम लोग ताजिर लेकर पहले ताजिर हम लोग लेकर साथ में आ गए थे, हम लोग थोड़ा पहले आ गए, उसको ताजिर रख दिए तो उन लोग के हाथ में तलवार हाकी था, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं, वो लोग तलवार हाकी से मारने लगे। उसी बात पे वो लोग दूसरे गाँव के थे, मामखोर गाँव के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां की जिला जेल में कैदी की मौत के बाद बवाल हो गया। बंदियों ने ठीक से इलाज न करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू किया, जिससे जेल में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी फोर्स के साथ यहां पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद कैदियों को शांत कराया गया और शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मृतक इंतजार थाना ककरौली क्षेत्र के कंढेड़ा गांव के हैं, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। बताया जा रहा है कि मृतक कैदी की कई दिन पहले तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसका जेल के ही हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था। सुबह बैरिक संख्या 4 में वो मृत पाया गया। अचानक इसको जेल खुलने के बाद जो है तकलीफ बढ़ी और इसको तुरंत जेल अस्पताल भेजा गया, जहाँ पे इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। क्या तकलीफ? अब ये तकलीफ तो पोस्टमार्टम के बाद उसको घबराहट सी हो रही थी और दौड़ा टाइप लग रहा था कुछ। 3 दिन पहले भी इसको हार्ट अटैक आया।
नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, डॉक्टर साहब बता सकते हैं इसके बारे में। संभल के रजपुरा इलाके में मुहर्रम का ताजिया देखकर लौट रहे लोग एक भयानक हादसे का शिकार हो गए। इनकी ट्रॉलियां पलट गई जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 दर्जन लोग जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रजपुरा के गांव सिंधी से मुहर्रम का जुलूस देखकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लोग वापस लौट रहे थे। रास्ते में दोनों ट्रैक्टर के चालक दौड़ लगाने लगे। आगे जाने की कोशिश में दोनों ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। घायलों को बदायूं, अलीगढ़ और संभल के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके फिर वहाँ में 2-3 लड़के हैं उसके बैठे कर पा रहे थे, तो उन्होंने जो आग वो डलाई गई वो पकड़ना चाहा, रोकवाया टाइम पर, तो जो आने कट मार के ट्राली थी सब। 2 गांव के लोग थे ट्रैक्टर ट्राली में सिरसी में मुहर्रम ताजिया देख करके वापस जा रहे हैं। वापस जाते समय मेन रोड पर आपस में आगे पीछे करने के चक्कर में, जिससे मौके पर ही 7 की डेथ की खबर मिली है। आगरा के थाना चेरा इलाके के रायभा गांव में बदमाश 2 दिन पहले के एटीएम को ही उड़ाकर ले गए थे। बदमाश तो हाथ नहीं आए लेकिन कुछ फुटेज जरूर सामने आए हैं जिसे देखकर इन बदमाशों की चालाकी का पता चल रहा है। पुलिस महकमा भी इससे सन्न है। शातिर चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बदमाश कितनी सफाई से कार में आए, आराम से एटीएम के सामने उतरे, फिर अपने हाथ में गैस कटर लेकर एटीएम के अंदर दाखिल हुए। इसके बाद जिस ट्रे में जिस बॉक्स में कैश रखा रहता है उसे बड़ी ही चालाकी से 15 मिनट के अंदर काट कर पूरी मशीन से अलग कर दिया। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ये बॉक्स, इसको काटने में काफी वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं चोर, तो उनके लिए ये काम महज 15 मिनट में पूरा हो गया। और इसके बाद ये लोग इस पूरे ट्रे बॉक्स को लेकर, इस पूरे कैश से भरे बॉक्स को लेकर ही फरार हो गए। तो एटीएम इंडिया नंबर 1 का था जहां पर चोरों ने 23 अक्टूबर की देर रात हवा बोला था। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही चोरों को तलाशने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक कोई कामयाबी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। तो चोरों की जो तस्वीर सामने आई है बता रही है कि इनसे निपटने के लिए जो तैयारी है उसमें पुलिस बहुत पीछे है और ये लोग पुलिस से कई कदम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे औजार इनके पास हैं जिससे ये चंद मिनटों में ही बहुत ही चालाकी से और बहुत ही आसानी से कोई भी बड़ी लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खबर मुरादाबाद से है जहां एक नाबालिग को अगवा कर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। घटना थाना मुगलपुरा क्षेत्र की है। पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही कुछ युवक उसे नशा सूंघा कर कार में डालकर अगवा कर ले गए। जब वो होश में आई तो उसके कपड़े फटे हुए थे। पीड़ित किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। परिजन तुरंत पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने लड़की की हालत को देखते हुए बलात्कार की आशंका जताई। फिलहाल मेडिकल परीक्षण के लिए पीड़िता को भेजा गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। तो लड़के खड़े हुए थे, वो बोले आप अपने पापा के पास चलना है। मैंने नहीं, मेरे पापा घर पे हैं। बोले नहीं भाई खड़े हैं। वहाँ पर ले जाके एम्बुलेंस की गाड़ी में डाल दिया था नशे देके। फिर मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे उन्होंने। अच्छा, कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। अभी बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में तो नहीं है लड़की, लेकिन उसकी बातों से पता चल रहा है कि उसको लालबाग से ले जाया गया प्रेम मंडल एंड पास्ट ईयर पार्क में उसका सर नहीं हुआ है। एक नामजद जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी करेंगे और दूसरे की तलाश की जाएगी। और अब खबर बरेली से है जहां तिहरे हत्याकांड से हड़कंप मचा हुआ है। पति पत्नी और नौकरानी की बेरहमी से यहां हत्या की गई। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और वारदात को लूटपाट से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक कत्ल की वजह साफ नहीं हो सकी है कि आखिर क्यों 3 जिंदगियों को खत्म कर दिया गया। उन्होंने 13 हत्याकांड को अंजाम दे डाला। आप देख सकते हैं हम इस वक्त उसी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है जहां पर ये सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। केमिकल कारोबारी एसके अग्रवाल, उनकी बुजुर्ग धर्मपत्नी मधुलिका अग्रवाल और नौकरानी अंशु इसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। तिहरे हत्याकांड की खबर पुलिस के कान तक गई तो पुलिस ने मौका वारदात का रुख करते हुए हवेली के भीतर पड़ी 3 लाशों को कब्जे में लिया और वारदात की तहकीकात करनी शुरू कर दी। मिस्टर एस के अग्रवाल की ये कोठी है जिसमें वो खुद पैरालिटिक थे और बेड हिडन थे। उनको और उनकी पत्नी और नौकरानी की उनकी हत्या की गई है
और लूटपाट की गई है। मामला पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। इनके परिजनों को सूचना दी गई है। बगल में कुछ यहाँ नौकर रहते हैं जो पड़ोस में इनके घर के कैंपस में ही हैं, तो वो लोग भी हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी खुलासा। बरेली के थाना सीबीगंज इलाका इंडस्ट्रियल एरिया के परसा खेड़ा में 90 के दशक में आए तीन बच्चों के इंजीनियर पिता कारोबारी एस के अग्रवाल ने शिवम एसेंशियल ऑयल एंड केमिकल नाम से फैक्ट्री की बुनियाद रखी थी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की में। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बुजुर्ग हो चुके कारोबारी एस के अग्रवाल कोमा में चले गए। बड़ा बेटा विदेश चला गया, दूसरा बेटा हैदराबाद और बेटी नोएडा में जॉब करने लगे। लेकिन बुजुर्ग मियां बीवी के अकेलेपन का किसी ने फायदा उठाया। इन लोगों की ये फैक्ट्री थी पहले मेंथॉल की, लेकिन वो फैक्ट्री उन्होंने बंद कर दी थी, उनकी सेहत सही नहीं थी तो फैक्ट्री बंद कर दी थी और घर पे ही रहते थे। इनका बेटा नौकरी करता है हैदराबाद में और बेटी नोएडा में काम करती है। तिहरे हत्याकांड की वारदात को पुलिस लूटपाट से जोड़कर देख रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की जा रही है क्योंकि कारोबारी एस के अग्रवाल कोमा में थे और उनके जिस्म पर एक के बाद एक 17 वार किए गए, जैसे किसी रेवेंज में कातिलाना वार किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी वारदात प्रॉपर्टी को लेकर अंजाम दिया गया हो? आखिर घटना के पीछे मकसद क्या था? खासतौर से अभी जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है और इन तीनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अनूप कुमार मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। और वहीं सीतापुर में 13 साल के एक मासूम बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई। एक दलित मासूम बच्ची की बड़ी ही बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। 13 साल की बच्ची रोज की तरह घर से जंगल की तरफ चारा लेने गई थी। काफी वक्त बाद भी जब वो घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। तभी गांव से थोड़ी ही दूरी पर उसकी साइकिल एक पेड़ से सटी हुई मिली जिस पर चारा भी बंधा हुआ था। गांव वाले थोड़ी और आगे गए तो वहां गेहूं के खेत में काफी बुरी स्थिति में उसका शव मिला। परिजनों का कहना है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और फिर उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने रेप की धाराएं तो नहीं लगाई है, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 14 वर्षीय बालिका घर से चारा लेने के लिए गई थी और जब शाम को घर नहीं लौटी तो घर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और शाम को उसका शव एक एकड़ के खेत में मिला। इस संबंध में गांव वालों की तरफ से, घर वालों की तरफ से एक तहरीर दे दी गई जिसमें मुकदमा कायम होकर आवश्यक कार्रवाई चल रही है। राज्य में शहीदों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं इसका अंदाजा रोज नई घटनाएं बता रही हैं कि फिरोजाबाद से खबर है जहां बुजुर्ग की छेड़छाड़ करने पर शहीदों ने मौत की घाट उतार दिया। ईंट से कुचल कर हत्या, छेड़छाड़ का विरोध किया तो ले ली जान, दिन दहाड़े हुई बुजुर्ग की हत्या। ऐसे में कैसे सभ्य रहेगा समाज? फिरोजाबाद के नगरा श्योलाल गांव में 60 वर्षीय बुजुर्ग की इसलिए ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपनी नातिन के साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध किया था। लड़की पास के ही समर सिविल में पानी भरने गई थी, तभी पास में रहने वाले युवकों ने छेड़छाड़ शुरू की तो फिर यही शुरू हुई वो बातें जो बाद में खून के रंग से लाल हो गया। तो घर पे चाचा की लड़की थी, वो गई थी भैंस ने पानी पिलाने के लिए, तो वहाँ पे और लाल बैठा था, उसने हाथ पकड़ लिया। फिर चाची गई थी, चाची ने उन्हें सोया कहा था, उसमें धक्का मार दिया, धक्का मार के उनके यहाँ चूट फूट आएगी, बाबा आएगी, बाबा आए, फिर गए वहाँ बिन्ने सोई पे, सब इकट्ठे आ गए, सब इन लड़ाई मारा पीटी कर दिया सब लोगों की। फिर बाबा सोई वहाँ पे गिर पड़े आगे जहाँ उठा के लाए, सुबह डॉक्टर आए, डॉक्टर देखे तो बिन्नी खत्म हो गई। अपनी नातिन के साथ हुई बातों को लेकर बुजुर्ग और उन लड़कों के बीच कहासुनी हो गई। बात में ईंट से जान ले लेने पर ही खत्म हुई। वैसे दो महिला सहित 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लड़की की छेड़खानी का प्रकरण को लेकर मारपीट व वाद विवाद हुआ और उस परिणाम स्वरूप एक वृद्ध 60 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। घटना को अंजाम देने के बाद से ही सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस दबिश देकर सफल होने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन समाज को फिर से इस पर सोचने की जरूरत है कि एक तो खुलेआम छेड़छाड़ की घटना होती है और कोई विरोध करे तो उसकी जान तक ले ली जाती है। फिरोजाबाद से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
नासा द्वारा खोजे गए एक तारे का नाम भारतीय के नाम पर होगा। जी हां, तारे के नामकरण के लिए ऑनलाइन वोटिंग हो रही है। तारे को किसी भारतीय के नाम से पहचाना जा सके, इसके लिए वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं लोग और इनमें काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है फिलहाल इन लोगों की कि तारे का नाम श्री राम शर्मा और उनकी पत्नी भगवती देवी के नाम पर होगा। मथुरा में श्री राम शर्मा के आश्रम में वोट करने के लिए कतार में खड़े ये लोग ऑनलाइन वोट करने आए हैं श्री राम शर्मा और उनकी धर्म पत्नी भगवती देवी के नाम पर, ताकि नासा द्वारा ढूंढे गए तारे का नाम इनके नाम से पहचाना जा सके। आपने वोटिंग की? हाँ। किस लिए की? नासा ने एक तारा ढूंढ लिया है और उसका नाम के लिए 7 लोगों का नाम चुना है, और हमारे भारत से भी 2 नाम आए हैं, श्री राम शर्मा आचार्य और भगवती देवी, इसलिए हम भी वोट दिए हैं क्योंकि हमारे भारत का गर्व होगा, इतिहास होगा। इसलिए वोटिंग के बाद से लोगों में काफी उत्साह है। कहना साफ है ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, और वह भी यहाँ से जाकर और भी लोगों को वोट के लिए अपील करेंगे, जिससे खोजे गए तारे का नाम भारत के महापुरुष श्री राम शर्मा और भगवती देवी पर रखा जा सके और पूरे विश्व में एक इतिहास बन जाए। गायत्री परिवार ने वोटिंग के इस अभियान की शुरुआत वोट फॉर इंडिया के नाम से की और देश के लोगों से अपील की है कि यह भारत के लिए गौरव की बात है। 7 महापुरुषों में भारत के 2 महापुरुषों का नाम है और भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे तो नासा द्वारा खोजे गए तारों का नाम श्री राम शर्मा और भगवती देवी के नाम से हो सके। उनके पास अगर नेट नहीं है तो हम अपने नेट से उनकी वोटिंग करा रहे हैं, नहीं तो उनके नेट को हम उनके मोबाइल को अपने वाईफाई से जोड़ के और उनसे ही करें कि आप इंडिया के लिए प्लीज वोट कीजिए। हमारे भारत का नाम पहली बार इतिहास रचने जा रहा है श्री राम मत के नाम से। हम चाहते हैं कि भारत का नाम पूरे विश्व में हो, जो सदियों तक बना रहेगा। ऑनलाइन वोटिंग की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है, इसीलिए गायत्री परिवार वालों ने यह बीड़ा उठाया है मथुरा के गांव में, और जिन लोगों को इंटरनेट चलाना नहीं आता, गायत्री परिवार की टीम उन लोगों को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से वोट करवा रहे हैं। और जो लोग अपने पास एंड्रॉइड या विंडो फोन रखते हैं तो टीम के लोग उनके मोबाइल में नासा द्वारा वोटिंग के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर वोट डलवाते हैं। हमने कुछ यंग लोग जो अपने गायत्री परिवार के हैं पूरे देश में, उनके नाम आइडेंटिफाई किए हैं और टेलीफोन से हम उनसे बात करते रहते हैं और उनसे हम कहते हैं कि इस काम को करना है और आप लोग यंग हैं, मोबाइल यूज करते हैं, उसकी टेक्निक का आपको आइडिया है, इस काम में आप लोग आगे बढ़े, और इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब इंतजार इस बात का है कि किसी भारतीय के नाम पर में तारे को जाना जा सकेगा या नहीं। अगर जाना जा सकेगा तो इतिहास में अपने आप में एक स्थान बना सकेगा। मथुरा से अनूप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस।